नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों, एक SSC की वेबसाइट पर बहुत ही बड़ा नोटिस आ रहा है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और आपका जो सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्जाम हुए थे जनवरी में, उसके रिगार्डिंग जो है बहुत बड़ी जो है अपडेट निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका एग्जाम हुआ था जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, जो कि आपका 13/1/2019 को था, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जिन्होंने अप्लाई किया था वो थे 49,394 और यहाँ पर जो प्रेजेंट थे दोस्तों वो केवल 15,573 जो है कैंडिडेट्स, यानी 31.53% केवल जो है अटेंडेंस इस एग्जाम में रही थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था और कितने कम कैंडिडेट्स ही जो है फॉर्म एग्जाम देने पहुंचे थे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है दोस्तों, उसका जो है डायरेक्टली जो है इसका जो है असर पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों जो टेंटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो भी यहाँ पर बता दी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन JHT का जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो आएगा 25 मार्च 2019 को। तो कट ऑफ दोस्तों डेफिनेटली कम जानी है। जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था और अच्छा एग्जाम हुआ था वो जो है जरूर आस लगा सकते हैं कि उनका जो है रिजल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद दोस्तों SSC सिलेक्शन पोस्ट है, इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो है अपडेट आया है। जो SSC सिलेक्शन पोस्ट है का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, आपका मैट्रिक लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का, जो कि आपका 16 से लेकर 18 तक चला था, उसमें जो है 99 वेन्यू थे, यानी 99 सेंटर थे दोस्तों 44 सिटीज में। और यहां पर जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, वो यहां पर 356,569 कैंडिडेट्स ने जो है अप्लाई किया था, 3 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने जो है अप्लाई किया था। उसके बाद दोस्तों जो कैंडिडेट्स थे यहां पर जो कि एग्जाम देने पहुंचे थे, यानी तीनों पोस्ट के लिए दोस्तों, ये कंबाइंड मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए भी, हायर सेकेंडरी लेवल के लिए और ग्रेजुएशन लेवल, तीनों की कंबाइंड जो है इतने फॉर्म जो है आए थे SSC के पास जो है इन पोस्ट के लिए। उसके बाद जो कैंडिडेट्स दोस्तों गए थे एग्जाम देने के लिए वो यहां पर थे केवल 1,05,390, यानी आप मान के चलिए कि केवल 1 लाख कैंडिडेट्स ने जो है एग्जाम दिया था। और यहां पर जो अटेंडेंस परसेंटेज थी दोस्तों वो थी 29.56%, 29.56% कैंडिडेट्स की ही जो है अटेंडेंस थी, वही जो है केवल एग्जाम देने गए थे। तो यहां पर दोस्तों जो आपका कट ऑफ रहने वाली है वो यहां पर बहुत ही कम जाएगी, क्योंकि हम मान रहे थे दोस्तों 50% तो मिनिमम अटेंडेंस रहेगी, लेकिन उससे भी बहुत कम जो है अटेंडेंस गई। आप अगर एग्जाम देने गए होंगे तो आपने अपने एग्जाम सेंटर में देखा होगा कि कितनी कम अटेंडेंस जो है वहां पर थी। 500 कैंडिडेट्स की सीटिंग थी तो वहां पर जो है कम से कम दोस्तों 150 से 200 ही कैंडिडेट्स जो है अवेलेबल थे, अटेंडेंस थी। तो दोस्तों इसका रिजल्ट भी जो है बहुत ही जल्द आ जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट भी जो है मेरे हिसाब से दोस्तों इसका रिजल्ट जो है मार्च में ही जो है आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है। कल शाम जो है देर रात जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको यही बताना चाहता था, जिस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है वो उम्मीद लगाए रखिए कि आपका सिलेक्शन होगा, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। जनरल कैंडिडेट्स की कट ऑफ दोस्तों तीनों लेवल की जो एवरेज कट ऑफ रहेगी वो 120 से भी कम जो है रहने वाली है। तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है दोस्तों, और कट ऑफ जो है में वेरी कर सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको इस वीडियो से मिली होगी। ऑफिशियल न्यूज है दोस्तों 100%। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए SSC से रिलेटेड पल पल की अपडेट्स के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इंडियन रोजगार के साथ। जय हिंद, जय भारत।